Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we had completed two topics of this syllabus, and now we will start topic number third, that is the nature of sociology. And in this lecture we will understand the nature of sociology, its qualities, characteristics by the Robert Bierstadt. ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी समझेंगे. सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है, नेचर के अंदर ये सब्जेक्ट क्या स्टडी करता है, कौन सा साइंस है ये, क्या स्टडी करता है ये, ठीक है, क्या ये प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, तो वो हम आज जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. देखिए, नेचर में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, मोस्टली एक तो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं. एंट्रेंस जो भी यूनिवर्सिटीज़ का होता है, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी का हो, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे जेएनयू का हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया का हो, ठीक है, एमयू का हो, तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे उनसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं. करेक्ट, जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एंट्रेंस में. ठीक है, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे आप पीजी के बाद पीएचडी एंट्रेंस में बैठोगे, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूरी आता ही आता है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से और बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है. ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इसको. नेचर में हम क्या समझते हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो नेचर में हम समझते क्या है, नेचर में हम इसके फीचर्स समझते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे इस सब्जेक्ट को. जैसे मैं आपको बताऊँगा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, न्यूमेरिकल्स. ठीक है, न्यूमेरिकल है, इसमें हमें इसमें प्लस करना होगा, माइनस करना होगा. ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में आ जाती है, ये मैथ का एक करेक्टरिस्टिक का फीचर है. तो उसके साथ साथ हमें एकदम से हमें पहचान आती है, उसके साथ साथ हमारे दिमाग में ये आती है, मैथ में अगर हम किसी चीज़ को प्लस माइनस करेंगे वो हमें एक्यूरेट डेटा देगा. अगर हमें किसी कोई एरिया है उसका एरिया निकालना होगा, कोई मैं आपको बताऊंगा ये रूम है इसका आप एरिया निकालिए, तो मैथ हमें एक्यूरेट देगा इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है. यानी कि इसका मतलब मैथ हमें एक्यूरेट डेटा देता है, उसका जो डेटा होता है वो रॉन्ग नहीं होता, ना उसमें कोई मिस्टेक की गलती हो सकती है, प्रोबेबिलिटी उसमें बहुत कम होती है गलती की, वो एक्यूरेट डेटा हमें देता है. तो ये क्वालिटीज़ होती है सब्जेक्ट. तो इसी तरह से सोशियोलॉजी की भी अपने फीचर्स हैं, इसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं और इसके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन चीज़ों से हम इस सब्जेक्ट को पहचानते हैं. तो वही क्वालिटीज़, वही फीचर्स हम आज देखेंगे. एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये भी एक ब्रांच है नॉलेज का, नॉलेज मतलब सारा कुछ, जो भी हमारे सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशल साइंस, उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स आप पढ़ते हैं, इंग्लिश, कश्मीरी, पर्शियन, ठीक है, उर्दू, उसके अलावा साइंसेज आप पढ़ते हैं जिनको नेचुरल साइंसेज बोलते हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ठीक है, तो ये सारी नॉलेज है. उस नॉलेज का सोशियोलॉजी एक ब्रांच है. एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज इट हैज़ इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, इसके अपने यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलग करेक्टरिस्टिक्स है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम मैथ का वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल पढ़ना होगा और उसमें जो डेटा आएगा वो एक्यूरेट देगा, मैथ जो भी काम करेगा वो हमें एक्यूरेट डेटा निकाल के देगा, तो इसके भी अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट डिफर्स फ्रॉम अदर साइंसेज इन सर्टन एस्पेक्ट्स, ये साइंस से डिफर करती है अदर सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ, उन सब, यानी पॉलिटिकल साइंस, जो ये सोशल साइंस या साइंसेज हैं इनसे ये डिफर करता है, ये अलग है, इसके अपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं. इट इज़ एनालिसिस ऑफ इंटरनल लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो अपने इंटरनल लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें अंडरस्टैंड मदद करेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज, ये कौन सा साइंस है, अगर सोशल साइंस में ये है, ये कौन सा सोशल साइंस है, ये क्या स्टडी करता है, किन चीज़ों को स्टडी करता है, कितना डेटा देता है हमें, क्या स्टडी करता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे. इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो
जो मेन कैरेक्टर ऑफ सोशियोलॉजी है वो एक सोशियोलॉजिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट बियरस्टिड, इसने अपनी बुक लिखी है, इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम सोशल ऑर्डर है, वो याद रखिएगा। इसमें इसने आठ कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने सोशियोलॉजी के आठ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है, जिससे हमें सब्जेक्ट का नेचर भी पता चलता है, सब्जेक्ट के फीचर्स, सब्जेक्ट की क्वालिटी और सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। ये सब्जेक्ट है क्या, क्या स्टडी करता है, कितना, किस एरिया तक ये स्टडी करता है, कौन से इसके मेथड्स है, क्या ये इंडिपेंडेंट साइंस है, क्या ये प्योर साइंस है, कौन सी चीज़ें स्टडी करता है, ठीक है, क्या एब्स्ट्रैक्ट साइंस है ये, क्या ये प्योर साइंस है या अप्लाइड साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस है या कोई पर्टिकुलर साइंस है, वो आठ कैरेक्टरिस्टिक्स इसने डिफाइन किया रॉबर्ट बियरस्टिड ने इन इसकी जो बुक है सोशल ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन जो कैरेक्टरिस्टिक उसने दिया है, उसने कहा है सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिए और इनको समझिए, इनसे क्वेश्चन आएगा आपको, एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल आपको पता होगा कि डिपेंडेंट हम बोलते हैं जब कोई दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारा काम खुद ही करता है। हम जब किसी को बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये सारा खुद करता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका मतलब है ओन फील्ड ऑफ स्टडी, इसका अपना फील्ड है, ये पॉलिटिकल साइंस का फील्ड है, ये इकोनॉमी का फील्ड है, ये इसका सोशल फील्ड है, ये समाज को स्टडी करता है, इसका अपना फील्ड है, ये दूसरों के फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में नहीं घुसता है, इसका अपना फील्ड है जहां हम स्टडी करते हैं, जो सोसाइटी है, जहां हम सोशल इश्यूज को स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके अपनी बाउंड्रीज हैं, ये अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलता है, अपनी बाउंड्रीज मतलब ये किसी और सब्जेक्ट के बाउंड्री में नहीं जाता है। इसके अपने मेथड्स होते हैं, मेथड्स का मतलब होता है जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा, जैसे जिससे हम स्टडी करते हैं, इसके अपने मेथड्स हैं, ये डेटा कलेक्शन, जैसे ऑब्जर्वेशन हम इसमें करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी ट्राइब पे हमें स्टडी करनी है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे फिर लिखेंगे, या हम वहाँ जाएंगे जो हमारे टूल्स हैं, हम कोई क्वेश्चन ईयर बनाएंगे, ठीक है, अगर हमें सिंपल कोई पॉवर्टी, हमें कभी पॉवर्टी स्टडी करनी है, सर हम सोशियोलॉजी में पॉवर्टी को कैसे स्टडी करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम पॉवर्टी को स्टडी कर सकते हैं या इस पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सोशियोलॉजी में। जैसे हम फील्ड वर्क करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, जो जो गरीब लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, वहाँ देखेंगे वो लोग गरीब क्यों हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनका हाउस कैसा है, उनका इनकम कैसी है, उनके बच्चे कितने हैं, तो हम खुद स्टडी करेंगे और उसके पास हमारे पास टूल्स भी है, सोशियोलॉजी ने खुद टूल्स दिए हमें जिनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे इतनी इस विलेज में इतनी परसेंटेज इतने लोग गरीब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोशियोलॉजी के अपने मेथड्स हैं, ये दूसरे सब्जेक्ट से मेथड्स बारो नहीं करता, इसीलिए हम जिसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट साइंस। ये पॉइंट आपको समझ में आया, क्लियर हो गया, बहुत इजी है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। सो सोशियोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट साइंस, इसमें इंडिपेंडेंट में आपको क्या याद रखना है, हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी हैज नाउ इमर्जड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट इज नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज ए ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस। ये किसी भी ब्रांच, किसी भी सब्जेक्ट का ब्रांच नहीं है, ये खुद सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट साइंस का, अपना फील्ड ऑफ स्टडी है, इसके अपनी बाउंड्रीज है, उसके अपने मेथड्स है, ठीक है, ये समझ में आया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सेकेंड, सोशियोलॉजी इज सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशल साइंसेस हम किसे कहते हैं वो आपको पता होगा, स्टडी जो सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को करते हैं, समाज में क्या है सोशल बिहेवियर आपका, समाजी बिहेवियर कैसा है आपका, सोशल एक्टिविटी समाज में आप कैसे एक्टिविटीज़ करते हो और आपकी सोशल लाइफ, आपकी समाजी ज़िंदगी कैसी है, इसको स्टडी करता है सोशल साइंस को। डील्स विद द सोशल यूनिवर्स, सोशल यूनिवर्स मतलब ये डील करता है, ये किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ये जो सोशल साइंसेज है इनके साथ ये डील करता है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचोगे तो वहाँ आप अलग से देखोगे, सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट अलग होते हैं, उनका डीन भी अलग होता है, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक अलग होते हैं, नेचुरल साइंसेज अलग होते हैं। नेचुरल फिजिकल साइंसेज हमारे क्या होते हैं, ये साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंपल, ये समझ में आया। यानी कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, ये सोशल साइंस है, ये सोशल साइंसेज के साथ होता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इसी ब्रांच के साथ है ये नॉट ए फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस नहीं है, यानी ये मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी के साथ नहीं है, वो साइंसेज अलग है, ये समझिए, इजी पॉइंट है दूसरा। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर थर्ड,
करेक्टरिस्टिक नंबर थर्ड क्या है? सुशाल जी, इस कैटेगोरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। सर, कैटेगोरिकल क्या होता है? कैटेगोरिकल का मतलब होता है व्हाट इज नॉट व्हाट शुड बी। याद रखिए, कैटेगोरिकल का मतलब होता है, सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी में क्या है, व्हाट इज, सोशियोलॉजी में क्या है, नॉट, ये सोशियोलॉजी स्टडी नहीं करती है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, नहीं। ये बात याद रखिएगा, सोशियोलॉजी आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। सोशियोलॉजी में आपको ये बताएगा कि सोसाइटी में एग्जिस्ट क्या करता है, सोसाइटी में एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करता है। जैसे पॉवर्टी एक कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी आपको बताएगी सोसाइटी में पॉवर्टी क्या है, क्या एग्जिस्ट करती है, कितनी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, इसके काजेज क्या, इसके फैक्टर्स क्या है। सुशाल जी आपको ये नहीं बताएगी कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, सुशाल जी आपको वो कभी नहीं बताएगी, उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल। सुशाल जी कैटेगोरिकल है, नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, इट डज नॉट मेक एनी वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट वही होता है क्या, इट इज एन अप्रोच नॉट ए मॉरल इमोरल बट ए मॉरल, नथिंग इज गुड आर बैड। वैल्यू जजमेंट होता है, आपने किसी चीज पे वैल्यू किया, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। सुशाल जी आपको कभी भी नहीं बताएगा, सुशाल जी जैसे कास्ट स्टडी करेगा, सुशाल जी जैसे हिंदू कल्चर स्टडी करेगा, मुस्लिम कल्चर स्टडी करेगा, कभी ये नहीं बताएगा दिस इज गुड दिस इज बैड दिस इज गुड दिस इज बैड। हमें सुशाल जी में ये सिखाया जाता है, नथिंग इज गुड आर बैड। याद रखिएगा, ये बार बार आपको वहां भी सुनने को मिलेगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्या सुशाल जी क्या सिखाती है? Nothing is good or bad. दुनिया में कुछ भी गलत और ठीक नहीं है, तो फिर क्या, Nothing is good or bad. It is all about culture. ये जो सारा है ये कल्चर का खेल है, समझ आई बात। यानी सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज कैटेगोरिकल साइंस, ये स्टडी करती है सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता है, नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव मतलब ये आपको वैल्यू जजमेंट कभी नहीं करने देगी, ठीक है, ये आपको नहीं बताएगी क्या होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। हम बताएंगे कभी ये कल्चर गलत है तो ये रखना चाहिए, वेस्टर्न का जो कल्चर है वो गलत है, हमारी सोसाइटाइजेशन का सोसाइटीज का कल्चर गलत है, जैसे वहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है यहाँ लीगल नहीं है, वहाँ थर्ड वहाँ गे मैरिजेस लेस्बियन मैरिजेस हो सकते हैं, ठीक है, मेल विथ मेल फीमेल विथ फीमेल, हमारे सोसाइटीज़ में वो एलो नहीं है, तो क्या सर वो गलत है ये ठीक है? नो, इन सोशियोलॉजी वी कैन नॉट से दैट इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ राइट। इन सोशियोलॉजी वी से व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट एग्जिस्ट इज़, वहाँ वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ ये एग्जिस्ट करता है। समझ में आई ये बात? तो ये क्लियर हो गया। इथिकल न्यूट्रल, सुशाल जी न्यूट्रल रहती है, सुशाल जी सिर्फ स्टडी करती है, किसी चीज को गलत या ठीक नहीं कह सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज नॉट डिसाइडेड सुशालजी अगेंस्ट इट गो, इट डज नॉट मीन नॉलेज ऑफ सुशालजी इज यूजलेस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुशालजी की नॉलेज फिर किस काम की है, नो, इट मीन सुशालजी इज ए डिसिप्लिन, कैन नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स, गुड इवल राइट रॉन्ग मॉरल इमोरल, ठीक है। सिंपल आप याद रखिए, सोशियोलॉजी इज कैटेगोरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। कैटेगोरिकल मतलब ये स्टडी करती है कि सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता है, वहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, इस सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता है, कौन सी सोसाइटी में कौन सी मैरिजेज है, कौन सी सोसाइटी में क्या मैरिजेज है। ना ये किसी को गलत बोल सकती है, ना ये किसी को ठीक बोल सकती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद सॉरी पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर किधर गया, ये देखिए पॉइंट नंबर फोर, ये कहते हैं पॉइंट नंबर फोर में, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में क्या फर्क होता है, सिंपल मैं आपको कंसेप्ट एक एग्जांपल से समझाता हूं। फिजिक्स हमारे पास है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास इंजीनियरिंग वाले हैं, इंजीनियरिंग भी फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स वाले जो हमारे अलग से डिपार्टमेंट है वो भी फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स स्टडी करता है, नॉलेज देता है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो नॉलेज को अप्लाई करते हैं और क्या निकाल के देते हैं, हमें सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर साइंस, ये नॉलेज देती है खाली, और ये लोग इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंजीनियरिंग वालों को हम बोलते हैं ये अप्लाइड साइंस। समझ में आई बात, ये प्योर साइंस, ये अप्लाइड साइंस, सेम इज द केस विद सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस, एजुकेशन ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशियोलॉजी नॉलेज हासिल करती है, ठीक है,
वो खाली नॉलेज हासिल करती हैं, और सोशियोलॉजी का जो अप्लाइड फील्ड है, फील्ड जो हमारा अप्लाइड फील्ड है वो सोशल वर्क है। सोशल वर्क क्या करते हैं, वो नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का ये नॉलेज यूज़ करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे अप्लाई एक्वर्ड नॉलेज इनटू लाइफ, वो इस नॉलेज को फिर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फिजिक्स इज प्योर साइंस, उसके बाद हमने क्या कहा कि फिजिक्स इज अ प्योर साइंस, इंजीनियरिंग इज इट्स अप्लाइड फील्ड। फिजिक्स वाले नॉलेज हासिल करते और इंजीनियरिंग वाले उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सेम इज द केस विद सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इज अ प्योर साइंस और बिजनेस स्टडीज जो है वो उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स वाले इसको अप्लाई करते हैं, सोशियोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसको क्या करते हैं, या डिप्लोमेसी वाले उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं कहाँ से, अप्लाइड फील्ड में। तो सोशियोलॉजी क्या बन गया, प्योर साइंस। बस आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है सोशियोलॉजी प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस, ये अप्लाई नॉलेज को नहीं करती हैं, वो और ब्रांचेस इसको फिर ये नॉलेज हासिल करके दे दिए, वो लोग फिर उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा, यहाँ नोट करके मैंने लिखा है, एम ऑफ द सोशियोलॉजी इज द एजुकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एम जो सोशियोलॉजी का है वो क्या है, सॉरी, नॉलेज को हासिल करना अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, सॉरी। तो एम ऑफ द सोशियोलॉजी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, नॉलेज हासिल करनी अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी, किसके मुतलिक, ह्यूमन सोसाइटी के मुतलिक, नॉट द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज का यूटिलाइज नहीं करना है। यानी सोशियोलॉजी की जो रिसर्च होंगे, जो सोशियोलॉजी में जो रिसर्च होगा वो नॉलेज हासिल करेंगे, वो नॉलेज उसके बारे में देंगे, लेकिन उसका जो यूज़ है वो सोशल वर्क या एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्लोमेट्स उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट इज नेवर, ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज लेजिस्लेटिव व्हाट लॉ शुड बी पास्ड, ये आपको नहीं रिकमेंड करेगा सोशियोलॉजी, नेवर रिकमेंड द लेजिस्लेटर्स, जो लेजिस्लेटर्स हैं जो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत में बैठे होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको ये रिकमेंड नहीं करेगी कि आपको क्या, व्हाट लॉ शुड बी पास्ड, कौन से लॉज आप पास करें, कौन से रिपील आप करें, नो। बट नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इज हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स टू फेम, लेकिन जब नॉलेज आप हासिल कर, आपको ये नॉलेज हासिल करके देंगे, आप किसी चीज़ पर रिसर्च करेंगे, कोई प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करेंगे, जैसे पॉवर्टी पर करेंगे, फिर नॉलेज देंगे इसके काजेज, इसके फैक्टर्स क्या है, तो उसके मुतालिक जब वो एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको यूज़ कर सकते हैं और वो उस पर कोई पॉलिसी प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे नरेगा एग्जांपल है, फिर ये प्रोग्राम्स आते हैं इन सोशल समाज के प्रॉब्लम्स को, जैसे डाइवोर्स पे कोई प्रॉब्लम आती है, डाइवोर्स रेट इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर कोई ला सकता है, आप खाली नॉलेज देते हो तो वो लोग उस नॉलेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 समझ में आया, ये था पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 में आपको याद रखना है, सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट ए कंक्रीट साइंस। सोशियोलॉजी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये कंक्रीट साइंस नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट ए कंक्रीट साइंस। दिस डज नॉट मीन सोशियोलॉजी इज एन आर्ट और नॉट ए साइंस, आर इट डज नॉट मीन अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड एंड अनडिफरेंटलिटी, सॉरी डिफरेंट, छोड़ो इसको। इसका मतलब क्या होता है, सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। सोशियोलॉजी ये इवेंट्स जो ह्यूमंस में हुए थे, ये वार हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, जैसे हमें हिस्ट्री देखी देती है, मोर कंसर्न्ड विद द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड पैटर्न। ये कंसर्न कैसे क्या करती हैं, सोशियोलॉजी ज़्यादा देखी थी लोग इंटरेक्ट कैसे करते थे, लोगों में इंटरेक्शन कैसे होती है, किस पैटर्न का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमने ये यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर वार या रिवॉल्यूशन। पर्टिकुलर वार कब आया, किस डेट पे आया, कैसे आया, किसके बीच में लड़ाई हो गई, क्या हुआ, उस पे सोशियोलॉजी फोकस नहीं करती, वो हिस्टोरियंस का काम है, या रेवोल्यूशन कोई चेंज आ गई, ठीक है। कंसर्न्ड विद द वार एंड रेवोल्यूशन इन जनरल एज अ सोशल फिनोमेना, ठीक है। तो ये किस चीज को देखती है सोशियोलॉजी, क्या करती है सोशियोलॉजी, इज नॉट डिफाइन इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी और अ पर्टिकुलर सोसाइटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, ये इंटरेक्शन देखती है कि अगर वार हुआ वहाँ इंटरेक्शन कैसे होता था, लोग वहाँ इंटरेक्ट कैसे करते थे, लोगों में इंटरेक्शन कैसे होती थी, ठीक है। ये कंक्रीट एविडेंसेस को इसको ज़रूरत नहीं है, पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे होते थे, ठीक है। पर्टिकुलर वार में क्या हुआ था, किस डेट पर हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें इसको इसकी कोई ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या करती है, ये स्टडी करती है सोसाइटी को, सोसाइटी को वहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे, सोशल मैरिजेस कैसे थे, किनशिप सिस्टम कैसा था, लोग किन चीज़ों से इंटरेक्ट करते थे, उन चीज़ों को स्टडी करता है। सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। ये कौन सा था, ये हमारा पांचवा नंबर था। और सिक्स नंबर पे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझते हैं। सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी जो है ये जनरलाइजिंग है, इज अ जनरलाइजिंग, ये पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस नहीं है। उसका मतलब क्या होता है देखिए, उसका मतलब होता है पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस क्या, इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन सोसाइटी, इट इज नॉट पॉसिबल। सोसाइटी में जो भी इवेंट होता है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं सोशियोलॉजी में, कहां से क्या हुआ, ईच एंड एवरी इवेंट को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। फिर सोशियोलॉजी क्या करती है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस ट्राइज टू फाइंड आउट द जनरल लॉज। जनरल लॉज मतलब ये जनरली स्टडी करती है कि कहां से क्या होता है, अगर पॉवर्टी है जनरली क्यों पॉवर्टी है इस एरिया में। अब हम पर्टिकुलरली अगर हम स्टडी करेंगे पॉवर्टी, इस घर में पॉवर्टी क्यों है, उस घर में पॉवर्टी क्यों है, इस इंडिविजुअल के पास पॉवर, अगर उससे भी नीचे आएंगे, इस इंडिविजुअल के पास गरीबी क्यों है, इस इंडिविजुअल के पास जैसे क्राइम, क्राइम सोसाइटी में क्यों होता है, करप्शन सोसाइटी में क्यों होता है, तो हम पर्टिकुलरली बोलेंगे पर्टिकुलरली करप्शन इन चीज़ों से होता है। तो अगर हम अब पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे, सॉरी जनरली अगर हम पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे, इस इंडिविजुअल ने क्राइम क्यों किया, इस इंडिविजुअल ने क्राइम क्यों किया, ठीक है, इस विलेज में क्राइम वहाँ क्यों हुआ, तो हम पर्टिकुलर स्टडीज में नहीं कर सकते। इंडिविजुअलाइजिंग मतलब एक एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर सकते, इसमें हम जनरली स्टडी करते हैं, सभी लोगों को स्टडी करते हैं। आया समझ में। Then, tries to make generalization on the basis of the study of some events. और फिर उसी पे हम क्या करते हैं, generalize कि अगर crime है तो society में इस वजह से crime है, लोगों में इस वजह से crime है, individual पे हम focus नहीं करते हैं, ठीक है। तो studying secondary groups and make generalization, this can be study all the reference groups but study few, ठीक है, इसमें आप फ्यू को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये आया समझ में, ये भी बहुत इजी है, ये कोई उतना टफ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है सोशियोलॉजी जनरलाइजिंग नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग आर इंडिविजुअलाइजिंग साइंस, ये एक एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर सकती, जनरली सबको स्टडी करती है, ठीक है, एज ए ग्रुप स्टडी करती है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर सेवन क्या है इसका, सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस नॉट ए स्पेशल सोशल साइंस, ये कोई स्पेशल साइंस नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ इंक्वायरी इज जनरल, यानी कि स्पेशल सोशल साइंस मतलब इकोनॉमिक्स पॉलिटी आर स्पेशल साइंस, स्टडी सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये सर आप बोलोगे सर ये इकोनॉमी और पॉलिटी कैसे स्पेशल साइंस है, क्योंकि पॉलिटी खाली सोसाइटी में क्या स्टडी करता है, पॉलिटिकल सिस्टम, बस इलेक्शंस पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन जुडिशरी ये सिस्टम, बाकी इसका कुछ लेना देना नहीं है सोशल रिलेशनशिप उसके साथ, ठीक है, कुछ भी सोसाइटी इकोनॉमी खाली इकोनॉमी को स्टडी करेगा, प्रोडक्शन कैसे निकलती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और वो लोग कैसे खाते, फिर कंजप्शन कैसे होता है, मार्केट कैसे चलता है, बाकी इकोनॉमी को कुछ भी किसी भी चीज़, तो ये क्या बनते हैं स्पेशल सोशल साइंस। तो हम इसको बोलते हैं जनरल साइंस, मतलब कंसर्न विद ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन लाइफ इन जनरल, ह्यूमन लाइफ जो हमारी जिंदगी है उसको जनरली ये स्टडी करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कैसे चलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ कैसे चलते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इन सभी चीज़ों को क्या करता है, स्टडी, जनरल स्टडी करता है, जो भी सोसाइटी में है उस सबको स्टडी करता है, रिलीजन को स्टडी करता है, जैसे रिलीजियस स्टडीज वो खाली रिलीजन को स्टडी करेगा, हम रिलीजन को भी स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमी को भी स्टडी करते हैं, जैसे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था, जब इंडस्ट्री जब हमारी सोसाइटी में इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे सोशल रिलेशंस में कैसे चेंजेस आएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादा बढ़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो सोशल प्रॉब्लम्स कितने कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कितना, सोशल ग्रुप्स कितने कंट्रोल में रहेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स कितना नीचे आएंगे, तो इन जनरल हम स्टडी करते हैं। ये समझ में आए ये पॉइंट, सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस नॉट ए स्पेशल साइंस। स्पेशल साइंस इतना सिर्फ याद रखना है, ये किसी एक टॉपिक एक इंस्टीट्यूशन एक एरिया को स्टडी नहीं करता है, ठीक है। तो इट स्टडीज ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, जो भी आप ह्यूमन इंटरेक्शन करते हो, जो भी आप जिंदगी में इंटरेक्ट, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते हो, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करते हो, आप रिलीजियस, एक इंडिविजुअल को आप देख लीजिए वो रिलीजियस एक्टिविटी भी करता है कि नहीं,
यानी मस्जिद मंदिर या गुरुद्वारा भी जाता है, ठीक है, तो रिलीजियस एक्टिविटी भी करता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक काम भी करता है, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी मैरिज भी है, फैमिली भी है, रिलीजन भी है, ठीक है, उसके साथ साथ किनशिप रिश्तेदारी भी है, तो ये सभी को स्टडी करता है। ये समझ में आया, ये बहुत ईजी है। और एट्थ जो हमारा है वो है सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो दोनों है, रैशनल भी है और एम्पिरिकल साइंस भी है। सर उसका मतलब क्या होता है, देखिए रैशनल का मतलब होता है टू ब्रॉड वेज ऑफ अप्रोचिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये दो अप्रोचेस हैं साइंटिफिक नॉलेज के, जिससे हम साइंटिफिक नॉलेज हासिल करते हैं। रैशनल मतलब यानी सिट्रस अपॉन द रीजन, ये किस पे काम करता है, रीजन एंड थेरीज रिजल्ट फ्रॉम द लॉजिकल इंटरफेरेंस, यानी रीजन से काम ये करता है। सोशियोलॉजी ऐसे ही कॉमन सेंस में आपने कोई बता दिया, जैसे आपने बताया कोई सर पॉवर्टी जो है ये किस वजह से है, आप बोलोगे कभी जैसे हम जेंडर पे बोलते हैं, जेंडर पे कभी कोई बोलता है, कोई बोलेगा ये कॉमन सेंस है कि लड़कियां जो हैं उनके पास, जैसे एक स्टेटमेंट आता है उनके पास यानी कि माइंड कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्यों, ये हम जनरली करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, सोशियोलॉजी इस पर क्वेश्चन करेगा, फिर इस पर स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद एक डेटा देगा कि अगर 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों मैंने कितनी लड़कियों एक एरिया में पढ़ा है, तो फिर उस पर स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद एक डेटा देगा, फिर कोई ये कंक्लूजन देगा, यानी ये कॉमन सेंस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या यूज करता है, ये रैशनल, रैशनल मतलब रीजन यूज करती है। सोशियोलॉजी में कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है एज ए कॉमन सेंस, ऐसे ही आप बताओगे। और एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म मतलब एम्पिरिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जो फ्रांसिस बेकॉन ने दिया था एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड फैक्ट्स लाता है। सोशियोलॉजी चीजों को ऑब्जर्व करती है, जैसे हम ट्राइब्स में देखेंगे ट्राइबल लोग हैं इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, हम वहां जाएंगे उनको करेंगे, देखेंगे 4-5 महीने की इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स की होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब उनके साथ रहेंगे, नॉन पार्टिसिपेंट मतलब उनको दूर से देखेंगे। तो फिर 2-3 महीनों के बाद जब हम उनको देखेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड फैक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी सुसाइड हम बताएंगे, सर सुसाइड जो है सुसाइड को हम कैसे स्टडी करेंगे, एग्जांपल सुसाइड हमें स्टडी करना है सोशियोलॉजी में, हम क्या करेंगे सुसाइड स्टडी, जैसे मैक्स वेबर ने किया, ठीक है, उसने कहा अनमैरिड लोग जो मैरिड लोग जो है वो कम सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू अनमैरिड। कैसे कहा, ऐसे ही कहा नहीं, उसने डेटा दिखाया कि इतने साल में फ्रांस में, इतने साल जर्मनी में कितने लोगों ने सुसाइड किया, फिर उस डेटा को पुलिस स्टेशन से डेटा लिया, फिर उस डेटा को डिवाइड किया कि कितने लोगों ने किया है। उसने कहा अनमैरिड जो है वो ज़्यादा करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ डेटा ज़्यादा था अनमैरिड का। तो डेटा लेके फैक्ट्स लेके हम बोलते हैं, तभी उसको हम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज बोथ क्या है, रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। ये दोनों है, रैशनल भी है और एम्पिरिकल, ये रीजन भी यूज करता है। और एम्पिरिकल स्टडी मतलब यानी एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन और फैक्ट बेस्ड डेटा होता है इसमें, इसमें कोई हवाई बात नहीं चलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 8 था। फिर पॉइंट नंबर 9 जो हमारा है वो क्या है हमारा, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकंड, सॉरी, 6, 7, 8, 9 किधर गया, वेट ए मिनट, सॉरी सॉरी, तो 9 जो हमारा 9th टॉपिक है, सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस, सॉरी 8 पॉइंट जो हमारे हमने बताया, 8 पॉइंट इसमें टोटल है, 9th वाला नहीं है, सॉरी मैंने आपको खुद ही कंफ्यूज कर दिया। तो 8 पॉइंट्स इसमें हैं, 8 पॉइंट्स में रॉबर्ट बियरस्टेड ने डिस्कस किया सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है, सोशियोलॉजी क्या क्या स्टडी करती है, इसके फीचर्स क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगर हम उनको कंक्लूजन में बताएंगे, कंक्लूजन में क्या हम बताएंगे, जैसे हमने कहा सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट एन ए फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट नॉट ए कंक्रीट, सोशियोलॉजी जनरलाइजिंग साइंस नॉट एन इंडिविजुअलाइजिंग आर पर्टिकुलराइजिंग, सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एम्पिरिकल एंड जनरल साइंस। ये याद रखिएगा, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप याद रखिए, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है और उसकी मीनिंग
आपको बतानी होगी। सिंपली वो उसने ऑप्शंस में दिया होगा, क्या सुशाल जी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सुशाल जी ये हैं, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, उनमें से क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी निकलेगा क्योंकि ये टॉपिक इतना टफ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट यूनिट है आपका, वो भी मैं आपको एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, उसके वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे पास है और उसको मैं एकदम से आपको अपलोड कर दूंगा। और जितना हो सके आप वीडियोस को देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीख रहा है आपको, तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी करते रहिए, ठीक है, और साथ साथ चैनल को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।